बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार यानी कि 17 अप्रैल को बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन पर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ये कदम उठाया गया है। इसकी जानकारी मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी। इसी साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नकुल दुबे को पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन अब कुछ ही महीनों में समीकरण इस कदर बदल गए कि उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। बता दें कि बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बाद नकुल दुबे को पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। पहली बार 2007 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल किया तो लखनऊ के महोना सीट से नकुल दुबे भी विधायक चुने गए। इस जीत का सहरा काफी हद तक उनके सिर भी गया और मायावती ने उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा। अब उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि श्री नकुल दुबे लखनऊ बीएसपी पूर्व मंत्री को पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इनको बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। नकुल दुबे की बात करें तो इनकी पढ़ाई लखनऊ से हुई। उन्होंने 1984 में लखनऊ के विद्वांत हिंदू डिग्री कॉलेज से बीए किया। इसके बाद 1987 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। सतीश चंद्र मिश्रा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। बसपा से पहली बार टिकट मिलने पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। इसके बाद जीत उन्हें नसीब नहीं हुई। 2017 के लोकसभा चुनाव में भी नकुल दुबे ने भाग्य आजमाया, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में वो सपा बसपा गठबंधन की तरफ से मिली सीट पर सीतापुर से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन यहाँ भी उन्हें हार मिली। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किया, लेकिन पार्टी चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा सकी बल्कि अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। बसपा से निष्कासन के बाद रविवार को पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे संपूर्ण समाज के साथ न्याय हुआ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नकुल दुबे ने कहा कि मैं उनके यानी बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया, कि तुम सर्व समाज के साथ मिलकर जो एक अजीबोगरीब वातावरण उत्पन्न हो गया है और लगातार चल रहा है, उसको रोकने के लिए नई मुहिम चलाओ। दुबे से जब पूछा गया कि आपके निष्कासन का कारण क्या है और क्या वह हालिया चुनावी हार के बाद हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं समीक्षा बैठक में नहीं गया था, मैं बहन जी से मिला नहीं था और ना ही मेरी उनसे कोई बातचीत हुई है। कारण बताओ नोटिस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे न्याय दिया गया है और इसे अन्याय न कहें, यह मेरे साथ ही नहीं संपूर्ण समाज के साथ न्याय हुआ है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।